नमस्ते, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज जो हम योगा अभ्यास करने जा रहे हैं वो योगा अभ्यास है गर्भावस्था के दौरान जब एसिडिटी होती है तो उस वक्त हमें कौन कौन से योगा अभ्यास करना चाहिए। तो आज हम वही सारे जो योगा अभ्यास और कुछ प्राणायाम है जो हम करने वाले हैं, चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम कर लेंगे नमस्कार। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब चलिए योगाभ्यास प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम सुखासना में सीधे बैठ जाएंगे। अब हमारी बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी और गर्दन बिल्कुल सीधे रहेगी। सबसे पहले दोनों हाथों को आगे की ओर, हाथों को क्लैश करेंगे इस तरह से। अब हम पीछे की ओर लेके आएंगे दोनों हाथों को पीछे की ओर, और सांस भरते हुए हम अपने चेस्ट को ऊपर की ओर खोलेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। आराम आराम से हम सांस लेंगे। इस तरह से हम इसके 10-10 के कम से कम 30 सेट करेंगे। और अब हम दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे और अपने बैक को ट्विस्ट करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे। इस तरह से आराम आराम से और धीरे धीरे ब्रीद इन ब्रीद आउट ब्रीद इन ब्रीथ आउट धीरे धीरे से करेंगे। तो इस तरह से हम प्रॉपर ब्रीदिंग करते हुए ये क्रियाएं करेंगे। अब दोनों हाथों को इस तरह से लेकर जाएं और सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए चेस्ट को ओपन करें, चेस्ट को थोड़ा सा नीचे की ओर झुकाएं। ब्रीद इन ब्रीद आउट। अब हम दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाएंगे, गर्दन ऊपर की ओर, आराम आराम से सांस लेंगे। बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। इस तरह से हम इसके कम से कम 20 से 30 राउंड करेंगे, यानी कि 20 से 30 बार सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब हम करेंगे कुछ प्राणायाम जिसमें हम शीतकारी करेंगे। शीतकारी में
हमारे दोनों टीथ इस तरह से बंद रहेंगे और जो हमारी जीभ रहेगी वो टीथ से लगी हुई रहेगी और जो हम सांस लेंगे वो अपने टीथ से सांस लेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालेंगे। इस तरह से शीतकारी करेंगे। इसे हम दूसरी तरह से भी करते हैं, अपने जो टंग है उसका बिल्कुल एक पाइप जैसा रोल बना लेंगे कुछ इस तरह से और उससे उससे जो ब्रीथ है वो जो सांस है उसी पाइप से लेंगे और अपनी नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। इस तरह से शीतकारी करने से हमारे शरीर में ठंडक रहती है, हमें बहुत आप जब करेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि बहुत ठंडा ठंडा फील होता है तो उससे भी एसिडिटी कम होती है। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ लेंगे तो राइट से निकालेंगे, राइट से लेंगे तो लेफ्ट से निकालेंगे। इस तरह से अनुलोम विलोम करेंगे। अब हम चंद्रभेदी प्राणायाम करेंगे। उससे क्या होता है कि हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं और राइट से निकालते हैं। इससे हमारे शरीर को ठंडक मिलती है और एसिडिटी कम होती है। अब हम अगर आपका पूरा खाना प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है या आपको लगता है कि आपको खाना खाने के बाद बैठना है क्योंकि बैठने से एसिडिटी होती है तो आप कुछ देर तक इस तरह भी वज्रासन में बैठ सकते हैं आराम से। वज्रासन से आपके ओवरऑल डाइजेशन प्रॉब्लम जो होती है वो सॉल्व होती है, आपका खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट होता है। तो इस तरह से वज्रासन में आप खाना खाने के बाद बैठ जाएं। और अगर आपको लगता है कि आपका वेट बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप दोनों पैरों को इस तरह से करते हुए दोनों पैरों के बीच में स्पेस दें और जमीन पे वज्रासन को अपने आप अपने जो आपके जो हिप्स हैं वो जमीन पर रहें और आप आराम से बैठ जाएं। इस तरह से नॉर्मल सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए एक नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ में वज्रासन करें। कोई इसमें उस तरह से नहीं कि लंबी सांस ले लंबी सांस छोड़ ऐसा कुछ नहीं है और आपको इतनी भी सांस लंबी नहीं लेनी कि आपका
प्रेगनेंसी के दौरान जो आपकी ब्रीदिंग लेने का जो एक तरीका है वो आप अपने हिसाब से चूज करें कि कितना आप अंदर ले सकते हैं ब्रीदिंग, कितना आउट कर सकते हैं, बहुत आपके स्टमक पे प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। तो इस तरह से हमने प्रेगनेंसी में एसिडिटी को कम करने के लिए आज हम कुछ योग और क्रियाएं करी हैं हमने। तो इस तरह से आप आराम आराम से कोई भी योगा अभ्यास करें। उम्मीद करते हैं आज का योगा अभ्यास आपके लिए जरूर फायदेमंद साबित होगा। हम आपको फिर से मिलते हैं इसी तरह से नए योगा अभ्यास के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।